भगवान राम के गुरु वशिष्ठ जी और उसी समय एक संत हुए विश्वामित्र जी तो दोनों मित्र थे तो एक दिन इच्छा हुई उनकी वशिष्ठ जी की कि चलो विश्वामित्र जी के पास चलते हैं अपन तो आए तो मित्र जैसे मिलते हैं संसार में मिलते हैं सही आए तो मित्र उनका बड़ा स्वागत करा गया हो भाग्य आप पधारे और जो भी स्वागत कर सकते थे उन्होंने करा और आखिरी में जब विदा विदाई की एक प्रथा होती जैसे जाते हैं तो इतने प्रसन्न हुए उनके आने से तो बोले मेरी पचास हजार साल की तपस्या का बल मैं आपको देता हूँ तो चले गए वो अपने फिर समय बीता फिर उनकी इच्छा हुई विश्वामित्र जी की तो वशिष्ठ जी के वो भी गए गए तो उन्होंने बढ़िया स्वागत संस्कार करा और आखिरी में जब विदाई हुई का समय आया तो उन्होंने विदाई तो उन्होंने कहा कि मेरा सपने में जो आधा घंटे का सत्संग हुआ था उसका फल मैं आपको देता हूँ हाँ। अब दोनों का अंतर तो विश्व वो विश्वामित्र जी को गुस्सा आ गया कि भाई ये कौन सा व्यवहार है हाँ। <laughs> जैसे आप मेरे यहाँ आए तो मैंने आपको पचास हजार साल की तपस्या का बल दिया और आपने मेरे को ये दिया आधा घंटे का तो अंतर है कि नहीं संसारिक दृष्टि से देखो तो वो तो बड़े क्रोधित हुए और उनने उनके आश्रम में तोड़ फोड़ कर दी गुस्सा और गुस्सा होकर क्रोधित होकर चले गए तो उनका गुस्सा शांत नहीं होने कहा ये कोई मित्रता हुई क्या ऐसा तो उनने कहा इसको तो ही डालूंगा मैं तो वशिष्ठ जी को मारने गए तो कुटिया में रहते थे संत लोग कुटिया में गए तो देखा पहले सो गए कि नहीं रात में पहले तो रेकी करी कि कब क्या है और फिर तो देखा कि अब रात के बारह बजने वाले हैं तो तो उन्होंने कान लगा के सुना तो पति पत्नी दोनों बात कर रहे थे वशिष्ठ जी और उनकी पत्नी तो पत्नी ने पूछा कि संसार में सबसे बड़ा तपस्वी कौन है तो उन्होंने कहा कि विश्वामित्र जी सबसे बड़े तपस्वी हैं बाकी वो क्रोध के कारण उनका बल नीचे आ जाता है उनसे बड़ा तपस्वी कोई नहीं है कोई नहीं है ऐसी चर्चा उनकी मतलब बड़े ही करे जा रहे वशिष्ठ जी तो उन्होंने कहा कि अब देखो मैंने इतना नुकसान करा इनके आश्रम में तोड़ फोड़ कर दी मेरे क्रोधित हुआ और फिर भी आज अपने से देखो प्रेम करते हैं और अभी भी मेरी कोई निंदा इस वो नहीं कर रहा है तो मित्र तो थे ही सही तो उन्होंने सामने से गए और दरवाजा खटखटाया और सीधी बात करी जैसा सही बोलते है कि नहीं बोले मैं आप मैं आपसे मैं आपको मारने आया था बाकी अब मैं मारूंगा नहीं बाकी मैं गुस्सा अभी भी हूँ मेरा क्रोध अभी भी शांत नहीं हुआ बोले ये कोई तरीका थोड़ी हुआ कि आप मेरे यहाँ आए <laughs> व्यवहार तो मैंने आपको पचास हजार साल की तपस्या का बल दिया और आपने आधा घंटे का सत्संग का फल दिया ये कोई तालमेल ही नहीं खाता उन्होंने कहा वशिष्ठ जी ने कि भाई जैसे ये कोई चीज है ये दो चीज है अब इनका फैसला कौन करेगा <laughs> अरे जैसे हीरा और कांच ही। एक जैसे दिखते बाकी उसका फैसला तो कोई जोर ही करेगा ना ही। भाई ये हीरा हीरे की कीमत अलग ना कांच के टुकड़े की कीमत अलग तो अब इन दो ही का फैसला कौन करेगा तो उन्होंने कहा कि भाई इसके लिए तो शेष जी के पास चलते हैं उनको बल के बारे में ज्यादा ज्ञान है क्योंकि उन्होंने पृथ्वी अपने सिर पर ले रखी है तो दोनों संत गए तो जब नाग उनके पास गए तो पृथ्वी लेके बैठे थे फन पे तो उन्होंने पूछा तो देखा गए तो उन्होंने संत आए कुछ न कुछ बड़ी समस्या <laughs> तो दोनों आए तो दोनों ने अपना पक्ष रखा कि भाई आपको ये फैसला करना है हमारी समस्या ये है कि हम आपस में एक दिन मिले मैं इनके घर गया तो इन्होंने ये दिया और जब मैं इनके घर गया तो इन्होंने आधा घंटे के सत्संग का फल मुझे दिया तो आपको बल का बताना कि इसमें कौन सी ज़्यादा कीमत तो उन्होंने शेष नाग दी में सबसे पहले विश्वामित्र जी को कहा कि मेरे सर पे वजन बहुत है पृथ्वी का आप थोड़ी देर रख लो फिर मैं उत्तर देता हूँ उन्होंने जैसे ही रखा तो वजन ज्यादा पृथ्वी का तो कराएगा वो <laughs> तो उन्होंने फिर अपने वापिस सिर पर लिया और फिर वशिष्ठ जी को दिया तो वो घंटों रखे रहे घंटों उनके पास उस सिर पर रखा रहा और पृथ्वी का वजन कोई दिक्कत नहीं फिर वापिस सुनने ले ली तो विश्वामित्र जी बोले कि भाई फैसला तो करो कुछ बोले ही नहीं रहो आप तो तो बोले आप फैसला क्या करना आप समझ जाओ <laughs> बोले वो आपकी पचास हजार साल की तपस्या से जो बड़ा बल है वो सत्संग का बल है जैसे कहते कि एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद तुलसी संगत साधु की हर ही कोट अपराध जैसे सत्संग का फल जैसे इसमें छः मिनट होते हैं जैसे अगर छः मिनट भी आदमी संसार से हटा के उस ईश्वर में मन लगा ले <laughs> तो उसका कल्याण हो जाए तो आदमी छः मिनट भी भजन नहीं करता है। <laughs> तो क्या होता है जैसे धन बल पद बल बाहुबल तो सबसे बड़ा जो बल माना गया वो वो आत्मबल माना गया जैसा भी मैंने आपको नाम गिनाया जैसे हिटलर का और सिकंदर का एक तो ये रास्ता है तो आज जैसे सिकंदर की मज़ार पे एक दीपक भी नहीं जलाने वाला है और बुद्ध महावीर सूरदास रेदास इनको गए तो तो होता क्या है आदमी को आंतरिक शक्तियां जागृत करने की जो कला है वो भूल गया आदमी जैसे बिन सत्यसंग विवेक न हुई राम कृपा बिन सुलभ न हुई तो सत्संग का महत्व नहीं मालूम आदमी को जैसे पैसे का महत्व मालूम आपको शबार में पैसे के महत्व के कारण जैसे थकता नहीं है वो आदमी आठ घंटे नौकरी करेगा खड़ा रहेगा पैसे का महत्व मानो उसको तो सत्संग का क्या महत्व है उसका महत्व नहीं मालूम आदमी सत्संग से जिस दिन आपको आत्मज्ञान हो जाएगा ये चौरासी लागे उन्हीं से मुक्त हो जाओगे आप चार पुरुषार्थ बताए गए हाँ। धर्म अर्थ काम मोक्ष तो आखिरी में आपको मुक्त होना है क्या होना है ऐसा ऐसा लक्षण है जी